हे व्हाट्सअप गेमिंग आर्मी, स्वागत है आपका मिस्टर टेकबीट पर। तो दोस्तों कैसे हो भाई लोग बताओ। तो यहाँ पर मैं खेल रहा था ये गेम प्ले और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे आप देखिए आगे कितना सारी गजब गजब चीज़ें हुई इस गेम प्ले में। और यहाँ पे मैं कंटेनर में चढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। दरअसल ऊपर में कपड़े रहते हैं तो मुझे कपड़े चाहिए ना, मैं बस मैं देखना चाहता हूँ कि सही में रहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं चढ़ नहीं पाता हूँ, देखिए इस बार मैं चढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो आज चला जाए कहीं और, ठीक है। तो हमने अरुणेश को फॉलो किया, मैंने अरुणेश को फॉलो किया और फिर उसने बोला कि चलो नोवो साइड उतरते हैं, नोवो में अच्छी खासी लूट भी मिल जाएगी, किल भी मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो नोवो चलते हैं। नोवो जा रहे थे और उसका सर्वर हुआ डाउन और वो हो गया डिसकनेक्टेड। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि क्या होता है डिसकनेक्टेड होने पर, आपको ऑफलाइन प्लेयर लोग के साथ उतार दिया जाता है क्योंकि आप खुद ऑफलाइन रहते हो। और मैं खुद ऑफलाइन प्लेयर को फॉलो कर रहा था इसलिए मैं खुद ऑफलाइन प्लेयर जैसा उतरा। और फिर क्या हुआ कि हम एक समय ऐसा है कि हम पानी में लैंड कर गए। अब इतना ख़राब लैंडिंग हो गया कि मानो कि हम लोग को नोवो नहीं उतरना था, हम लोग को कहीं और ही उतरना था। और नीचे स्क्वाड उतरी हुई है पूरी दो तीन और यहाँ पर हम पानी में उतार दी हमने। और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हुआ कि यार पानी में उतर गए अब हम क्या होगा। मुझे तो लगा ये गेम हार गया मैम, रिकॉर्ड करके मैंने गलती की जैसे हर बार होता है। लेकिन फिर नहीं, मैंने बोट ली और चल पड़ा मैं यहाँ पर, मैं चल पड़ा। उस वो बोला कि अरुणेश बोले कि मैं नोवो में ही लूटता हूँ तुम आओ। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं इधर साइड आ गया और मैं यहाँ पर बीच के बीच पार करके नहीं आया, मतलब मैं पानी से ही इस तरफ आ गया मिलिट्री बेस वाले आइलैंड को हट के। उन्होंने यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मुझे एक पिस्टल का सप्रेशर विद पिस्टल मिला और यहाँ पर क्रॉसबो और AKM मिल गया। तो क्रॉसबो आपको पता ही कितना सही गन है, अगर नहीं पता तो आप कभी उससे हेडशॉट मार के देखिएगा। अगर सामने वाला बंदा नॉक ना हुआ तो उसके बाद मेरे को बोलिएगा, मतलब ऑफ फेल है यार उसका सामने। बस मुश्किल ये है कि उसका जो रिलोड टाइम है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही हर एक गोली पर उसका रिलोड टाइम है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लूट रहा था मैं और हम यहाँ पर दोनों अलग अलग जगह पे थे, मतलब वो ब्रिज के उस पार था और हम ब्रिज के इस पार थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो वो क्लोज आने लगा मेरे और मैं भी उसके क्लोज जाने लगा और मैं ब्रिज पार कर रहा था और गाड़ी को थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही यहाँ पे लैग हो रहा है। और मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बंदा है लेकिन नहीं है कोई। और फिर मैंने गाड़ी घुमा दी और सीधा नोवो साइड चल पड़ा और सामने देखे मैंने गाड़ी पार की और यहाँ पे सामने है अरुणेश, वो घर में है ठीक है। और यहाँ पर मुझे आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक स्क्वाड अपने में दौड़ रही है और वो सामने फाइट कर रही है। वो देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्कोप ऑन कर दिखाया, मेरे पास स्कोप है नहीं, फिर मैं आपको AKM के स्कोप से दिखाता हूँ। वो देखिए दोस्तों स्कोप दौड़ रही है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ पे एकदम फाइट नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरे को अभी अच्छी तरह से लूटना था। और यहाँ पे मैं, मुझे किल नहीं चाहिए थे, मुझे अच्छी लूट चाहिए थे और मुझे सबसे पहले जोन में जाना था। और मुझे वैसे भी कोई डर नहीं था क्योंकि वो भी जोन में ही आते। और तभी बहुत ही सही चीज़, मतलब कि ये आप लोग के साथ भी होनी चाहिए, मतलब मज़ा आ गया देख के यार। यहाँ पे इंटेंस फाइट हुई और यहाँ पर मुझे, हम लोग को एक फ़ायदा भी हुआ। और क्या फ़ायदा हुआ वो आप देखिए, यहाँ पे सामने एक बंदा फ्लेयर चला रहा था और जैसे ही इसने चलाया हम इसे कुचलने के लिए चल गए, लेकिन उतने में थोड़ा साइड हट गया, कुछ ग्लिच हो गया और फिर मैंने इसे नॉक कर दिया। और हमें लगा कि ये अकेला था पर हमें, हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी और तभी हमारे ऊपर घातक हमला हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारा, हमारे ऊपर घातक हमला हो गया और जो सामने की स्क्वाड थी वह इतनी नूब थी कि वो सामने वाले गेट से घुस रहे थे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। मतलब ये देखिए दोस्तों, पीछे से फुटप्रिंट आके पीछे से भी वो मार सकते थे लेकिन नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देख ही सकते हैं तीनों के तीनों गए यहाँ पे। और भाई लूट है लोगों के पास, M24 DP28 मतलब क्या नहीं है भाई। वो आदमी भागा क्यों, अगर वो मेरे पर वापस शूट करता तो मेरी हेल्थ बहुत कम थी, मैं मर जाता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और यार भाई ये लोग इतना गधे जैसे, मतलब कि नूब थे एक नंबर की, मतलब कि क्या बोलूँ मैं। अगर उन लोग मेरे पे एक भी शॉट ले लेते, अगर DP28 का या M24 का, तो मैं गया रहता, लेकिन नहीं मैं बच गया क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी और ये नूब निकले।
अब हम सर्कल के बाहर थे तो हमें ये जीप मिली, बुलेट प्रूफ जीप, जिसमें सिर्फ स्नाइपर गोली लगती है और सब गोली काम नहीं करती। अगर ये फटे ना तो, क्योंकि अगर फट गए तब तो वो अलग बात है। तो फिर हमने यहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ड्रॉप दिखी हमें, और मैं अरुणेश को 4x दे रहा था क्योंकि उसके पास कोई स्कोप ही नहीं था, मेरे पास 8x 4x 2x था, तो मैं उसे दे दिया 4x, चलो ले लो भाई, अब मेरे पास 8x है, तेरे पास 4x है, सब मारेंगे। तभी देखिए हम ड्रॉप के पास आए और हमने घुमा के गाड़ी ले जाने की सोची, और तभी देखिए क्या हुआ, और यहाँ पर सामने फायरिंग हो रही थी कहीं, तो हम ले गए गाड़ी अपना और वहाँ पर थोड़ा घुमा के ले गए और गाड़ी वहाँ पर रोक दिया हमने, पहाड़ पर ज़्यादा ऊपर नहीं ले गया। अरुणेश ने मुझे मना कर दिया कि उतना ऊपर मत ले जाओ नहीं तो वहाँ से फायरिंग होगा। मैंने बोला क्यों भाई, हम लोग के पास बुलेट प्रूफ है, फिर डरना किस बात का। तो उसने मना कर दिया, तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो। तो यहाँ पर मैं वो लेट लेट के चल रहा था और मैं भी खड़े होकर चल रहा था, तो यहाँ पर मैं देख रहा था चारों तरफ, स्काउट कर रहा था कि कहीं तो होगा कोई एनिमी, लेकिन सामने फुटप्रिंट था, मतलब कि गाड़ी थी सामने, हमें दिख गए थे वो गाड़ी, वो आपको अभी नहीं दिख रही है, आगे जाके दिखेगी। और वो गाड़ी के पास ही बंदे थे और अभी तक ड्रॉप किसी ने नहीं लूटा था, सब स्नाइपिंग में भीड़े थे और सब इधर उधर से ही मार रहे थे। और इधर देखिए क्या होगा, मतलब कि ये अरुणेश जो है ये किसी को मार दिया और उसका टीममेट बौखलाया, वो आया इसको मार दिया। मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले स्नाइपिंग शॉट लेने लगा इस पर, फिर तो अब मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे ये आ गया है और मेरे गन सेलेक्ट करते करते में ही अरुणेश बेचारा मर गया। सॉरी अरुणेश भाई, मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपका बदला ले लिया और उसे उसी समय ख़त्म कर दिया। अब बची थी उसके पार्टनर की पारी, तो अब उसके पार्टनर को मुझे मारना था। और यहाँ पर मैंने जैसे ही स्कोप ऑन किया, और देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने स्कोप ऑन किया नहीं कि उधर से किसी ने उसे मारा और वहाँ पे वो मर गया, और यहाँ पर ये भी मर गया जो उसका नॉक खिलाड़ी था, क्योंकि दोनों टीम थे तो दोनों मर गए एक साथ। और इधर मुझे K98 के मिली, मतलब भाई आज लूट का दिन था, लूट लूट लूट, चारों तरफ लूट ही लूट मिल रही थी, लेकिन मैंने K98 के नहीं उठाई क्योंकि मैं अरुणेश ने कहा कि भाई M24 ले ले, K98 के उतना बढ़िया नहीं है, M24 से बढ़िया नहीं, बढ़िया है भाई लेकिन उतना बढ़िया नहीं है M24 से, ये बात मेरी जान दो भाई। K98 को मैं ख़राब नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी है ना, लेकिन M24 से बढ़िया नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास स्कोप्स का भंडार था और यहाँ पर मैं बैकपैक खाली कर रहा था क्योंकि मेरे पास बैकपैक भर चुका था पूरा, और मुझे पैन नहीं मिला था अभी तक, क्योंकि मेरे सेफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना होगा कि यहाँ पर ड्रॉप्स के पास से देखिए बंदा कैसे दौड़ते हुए आ रहा, मतलब आसपास देख ही नहीं रहा। और मैं स्नाइपर नहीं हूँ तो इतनी ख़राब मैंने स्नाइपिंग शॉट मारी कि उसे कुछ नहीं हुआ, बस एक थोड़ा सा डैमेज हुआ, और फिर मैंने मानी वो गोल गोल घूमने लगा, और फिर मैंने एक और शॉट मारा लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अब वो जाके छुप गया था और निकल ले रहा था, और तभी जो हुआ वो मेरे पूरे गेम का सत्यानाश कर दिया, मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया, मेरा पूरा गेम का कहानी ख़त्म कर दिया। और अब आप भी देखिएगा क्या हुआ, और ये हुआ दरअसल जो हुआ आपके सामने है, मतलब कि सर्वर टाइम रीकनेक्ट हो गया भाई। और जब मैं वापस आया कनेक्ट करके, तब मुझे पता चला कि ये मैं किल हो गया था, और जो ड्रॉप के पास बंदा था उसी ने आके मेरे को मार दिया, और उसको भी अच्छी खासी लूट मिली गई होगी क्योंकि मेरे पास M24 8x था। मतलब भाई ये सर्वर्स का तो गुस्सा आता है मुझे कि जब तब रिकनेक्ट होते हैं। अभी हाल ही में एक और मैच मैं खेल रहा था नाइट मोड में, सामने एक स्क्वाड को जैसे ही मैंने किल किया तब से मेरा टाइम आउट बताने लगा, और फिर जब मैंने लोड किया तो मेरा लोड ही नहीं हो रहा था, और फिर आधे घंटे बाद मेरा जब मैंने ट्राई किया तब पबजी खुला, और उस समय तक तो ऑब्वियस सी बात है कि मैच तो नहीं चल रहा होगा। लेकिन खुशी की बात यह थी कि मैं उसमें #6 आया था और मेरे टीममेट मेरे से पहले ही मर गए थे, मतलब मैं ऑफलाइन मैच जिंदा रह गया और वो फाइट के चक्कर में मर गए। तो ऐसे बहुत बार होता है, अगर आपके साथ भी अगर कभी हुआ है रिकनेक्ट का दिक्कत तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, और अगर आपके पास कोई बढ़िया वीडियोस हैं तो आप मुझे टैग करके, मेरे ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है तो उस पर आप भेज सकते हैं मुझे। और अब आती है बात प्रमोशन की, कि भाई लाइक कर देना वीडियो अगर आप थोड़ा सा भी इंजॉय किया आपने, और फ्लेयर हंट वाला टेक्निक आपने अगर अच्छा लगा आपको
तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही न्यू गेम प्ले डालूंगा आपको मिल जाएगा और आप फिर देखोगे, फिर इंजॉय करोगे। अगर आपने इंजॉय किया तो ही लाइक करना, और अगर नहीं किया तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ मेरे से गलती हुई, वो गलती को मैं सुधारूंगा और अगली बार आप पक्का इंजॉय करेंगे। और कोई वीडियो पे डिमांड चाहिए और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, मतलब कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं डालता, अगर कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप बोल देना मुझे, मैं डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।